अरे बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो जल्दी <laughs> बैठ जाओ ठीक है तो इसकी पन्नी यही उतर जाएगी <laughs> यहाँ तेंदुए आते हैं हाँ, हाँ, तो लगा लग ट्रेल नाम। ऐसे थोड़ी ना रख दिया यार कमाल की बात है भाई पीछे वालों अगर दिक्कत हो तो बता देना ठीक है कभी सीधा उल्टी फेंक दो ठीक <laughs> है अच्छी सर्विस है टाटा की अच्छा सर्विस दोबारा बोलो बहुत अच्छी सर्विस है दोबारा बोल सेल सर्विस सर्विस अच्छी अच्छी है और सर्विस भी अच्छी है सुना क्या कह रहे हैं सुनो <laughs> दोस्तों अभी जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ पूरे लोड के साथ चल रही है गाड़ी कौन सी है ये है टाटा सफारी और टाटा सफारी के अंदर जो है ये गोल्ड एडिशन है पूरे लोड के साथ क्यों बोल रहा हूँ वो पीछे बस की तरह दिखा दो भाई को पूरी की पूरी जो है पीछे तक लोग बैठे हुए हैं गाड़ी जो है वो आर्यन लेकर के आए हैं और आज हम आपको जो है इस गाड़ी के बारे में सारी चीजें बताएंगे कि इसके ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए क्या कुछ एवरेज भी वगैरह निकाल रही है और कितने की जो है पड़ रही है आपको गाड़ी और क्या ऐसी खास बात है गोल्ड एडिशन के अंदर ठीक है ये वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है वो मैं चला रहा हूँ फिलहाल लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि यार छह बंदे बैठे हुए हैं थोड़ी सी अब और ज्यादा स्टेबल होकर के गाड़ी जो है ना वो चल रही है कि मतलब जो बिल्कुल चिपक करके जो दब करके जो चलती है ना वो वाली चीज जो है आपको थोड़ी सी फील होगी ये रास्ते भी थोड़े से टेढ़े मेढे ही हैं तो वेल well, आपका जो है, वो पूरा बना हुआ तो उल्टी फेंक दो <laughs> <थीके। laughs> अनुभव जगह कैसी ही मिल रही है मतलब कि बीच वाली जो अगर रो है बीच वाली में जगह तो ठीक है हाँ। लेकिन अंदर था ये सपोर्ट जो है ना थोड़ा सा कम है अच्छा देखा जाए इनको ज्यादा देना चाहिए था

बहुत अच्छी सर्विस है सेल सर्विस भी अच्छी क्या अच्छा लगा आ, मतलब एक तो वो ग्रीट अच्छी तरह से करते हैं और मतलब जैसे मैं अभी महिंद्रा के शोरूम जाता हूँ हाँ बिल्कुल भी ऐसे एकदम चल ठीक है तो उनको पता है गाड़ी अभी जानी है एक डेढ़ साल बाद तो गाड़ी मिलनी है आप को बंदे को बिल्कुल भी वो नहीं करते अच्छे से ट्रीट खैर एक शिकायत है मेरे को इस गाड़ी से और जो आप लोगों को भी होगा कितने की पड़ी थी भाई ये गाड़ी ये डिस्काउंट हटा के 27 के आसपास भाई इतनी महंगी गाड़ी के अंदर ये छोटा सा मतलब कि अभी तो इतना सा जो है वो फोल्ड जो फोन है ना वो आने स्टार्ट हो गए इतने तो तो यार ये क्या मतलब ये तो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था यार वैसे इंजन वाइज परफॉर्मेंस के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब आप सीधी सीधी ये ही गाड़ी आप चलाते हो आपको गाड़ी अच्छी लगेगी लेकिन जहां आपने चला ली एक्स यू वी सेवन डबल हो उसके बाद अगर इस गाड़ी को चलाते हो तो फिर थोड़ी सी आपको पीकी लगने स्टार्ट हो जाती है स्टेयरिंग निश्चित तौर के ऊपर जो है आ, अच्छा लगेगा आपको तेज स्पीड के अंदर बहुत सारे लोगों को जो है वो इससे शिकायत है इतना भी जो है हार्ड नहीं है यार लेकिन आप बहुत एक्स्ट्रा ही कुछ जो है वो स्मूथ स्टेयरिंग वाली गाड़ी चला लेते हो उसके बाद आपको ये चीज़ लगती है नहीं तो हम जैसे को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यार फिर से बोलूँगा बैठते ही आपको एक चीज़ जरूर खटकती है ये वाला जो है ना ये पोर्चन आपको बिल्कुल ही आपके जो घुटने के जो है ना बिल्कुल कोने पर मारता है यहाँ पर अब ये देख बिल्कुल ही बच्ची सा दिया गया बच्चू सा मतलब छोटे में भी और छोटा जो है ना ये चीज़ और इसमें भी जो है रेजोल्यूशन जो है वो बिल्कुल ही जैसे कि ऐसा है कि जैसे वी कैमरे जो आते थे ना पहले लेकिन जो सफारी के अंदर एक जरूर खास बात है इस गाड़ी के अंदर एक रॉनेस जो है ना एक एस वाली जो है ना वो फील है अब जो इसका जो मेन कंपटीशन जो आती है एक्स के बारे में इनसे क्या बात करूं क्योंकि इन्होंने वो भी बुक कर रखी है ठीक है तो अब आएगी एक भी आएगी पसंद है इसीलिए खरीद रहे हैं और सफारी भी यही दो हैं और दोनों ही काफ़ी फैंटास्टिक है डिसीजन आपका गलत नहीं हो सकता कि किसी भी गाड़ी के ऊपर आप जाते हो तो ठीक है तो गोल्ड एडिशन की खास बात ये है कि ये सारा जो है ये बप्पी लहरी वाली जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी पूरा का पूरा गोल्ड जो है ना वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा अच्छी बात है अच्छी लुक आती है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर किया गया है गाड़ी के अंदर हल्का हल्का जो गोल्ड वाला जो टच है ना वो दिया गया है अंदर भी बाहर भी ठीक है इसके ऊपर हमने और भी सारे वीडियो बनाए हुए पहले भी वीडियो बनाए हुए थे तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको पूरा गोल्ड टच जो है वो दिया गया है ऐसा ही मेरे ख्याल से पीछे जो है वो टाटा का लोगो है और जो सफारी जो लिखा हुआ है वो एक गोल्ड जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बाकी सीट्स वगैरह के ऊपर आपको हैश गोल्ड वगैरह ये चीज़ देखने को मिल जाएगी आपको सबसे अच्छी बात बात है कि इंटीरियर की अगर मैं बात करता हूं ना यहाँ पे तो ये जो मार्बल फिनिश टाइप का जो दिया गया है ये ठीक है ये डिजाइन सा तो ये यहाँ पर आपको गोल्ड जो है वो देखने को मिलेगा एवरेज जो है वो आर्यन कितना निकाल देते हो ये हम्म बारह के आसपास बारह दस बारह

एक काम करते हैं कि वो भी आपको सुनाते हैं। और एक ही गाना जो है वो दोनों गाड़ियों के अंदर बजा करके दिखाते हैं। उसके बाद देखते हैं आप खुद जो है वो जज बनना कि कौन सी गाड़ी के अंदर कैसा जो साउंड बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा लेकिन यार एक पर्सनली बात बताऊं इस गाड़ी की लुक जो है ना वो कातिलाना लगती है वो मारती है बाकी बूट वगैरह के अंदर कितनी जगह बच जाती है अगर सीटें उठा दो तो नहीं है यार ये देख लो कि आपका जो है कितना मेरे ख्याल से ठीक है ये सेवन सीटर बोलना ज्यादा सही नहीं है सीटर जो है वो बोलना ज्यादा सही है दो 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 ये चीज है ना यहाँ पे तो हिसाब किताब भी लेकिन पीछे जो है यहाँ पर दिख रहे हैं आप यहाँ पर एसी के फ्लो का भी पूरा दिया गया है यहाँ पर जो है वो ग्लास होल्डर वगैरह बीच नहीं है मिल जाएगा और आपको जो साइड के अंदर भी सेम मिल जाएगा यूएसबी पोर्ट वगैरह जो है वो है। भी चीज मिल जाएंगी बीच वाले जो है वो अपना हाथ में पकड़ के बैठो भाई जो भी पीना वीना जो है ना वो सारी चीज गुड और चलाते है इस गाड़ी को और तो आपने सफारी तो बहुत बार देख रखी होगी जो चलाने का मजा आया तो हम भी बार बार चला करके देखते हैं कि क्या पता कुछ नई चीजें जो है वो निकल करके सामने आ जाए एक, लेकिन चलाने में मजा आता है एक ड्रॉबैक है सर बहुत बता भाई आप इतना अमाउंट खर्च कर रहे हो तो फोर व्हील ड्राइव तो आनी चाहिए थी जो पहले आती थी बढ़िया बढ़िया लड़के बहुत बढ़िया <laughs> कुछ इस टाइप का जो काफी हैवी है 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 हैवी है है यार बड़ा बड़ा मतलब कि, आ, तेरे तो बेटा डंबल वगैरह हो जाएंगे इसी के साथ ही मतलब अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो अलग से कुछ वेट वगैरह वे नहीं लेकर के जाना इसी के साथ करते रहना जो करना है तो कुछ ये है आपका इंजन पूरा तरीके से जो भरा हुआ है एकदम जो है ना के जो है वो गुड टाटा की बिल्ड क्वालिटी टाटा का लोहा टाटा का लोहा बल well, डिसीजन तो आपका अच्छा है ही क्योंकि सफारी लवर सफारी लवर ही होते हैं और जिनको डीजल के अंदर जाना है एक ऑप्शन बचता है लेकिन उसका आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो गाड़ी जो है वो एक साल भर की वेटिंग के अंदर आती है, है ना और उसके अंदर आपको ए डब्ल्यू डी वगैरह जो है वो ऑप्शन भी मिल जाता है तो चुन चुन के जो कमियाँ थी इसके अंदर वो उन्होंने वहाँ पर कम करी है सर स्पोर्ट्स मोड पर चलाओ अब भागने लगी लग है गाड़ी देख रहे हो इसका जो स्पोर्ट्स मोड है ना ये इसका नॉर्मल मोड होना चाहिए था ठीक है और उसके बाद एक और स्पोर्ट्स मोड होता तो फिर ये एक्चुअल में टक्कर दे पाती अपने के अंदर जो गाड़ी है ये छोटे मोटे गड्ढों को ना बड़ा अच्छे से लेकिन ये चीज जो है वो दूसरी गाड़ियों के अंदर आपको नहीं दी जाती वो काफी स्टिफ सस्पेंशन देते हैं लेकिन इसके अंदर इतना ज्यादा जो है वो आपको फील नहीं होता है एर, दोस्तों यही है कि आ, मजेदार भाइयों को जो एक्सपीरियंस मिला टाटा के अंदर वो भी काफी मजेदार था हमें गाड़ी चला करके जो अनुभव हुआ वो भी काफी मजेदार है ठीक है इसके अंदर क्या कुछ कमियां आती हैं ठीक है गिनी चुनी वही चार पांच चीज़ों की कमी है हो सकता है कि जो आगे आने वाली जो गाड़ी होगी उसके अंदर ये कमी पूरी कर दें ठीक है ये इंफोटेनमेंट हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए यहाँ पर जो है घुटना तोड़ वाली चीज़ नहीं चाहिए हम लोगों को ठीक है और थोड़ा सा थोड़ा सा और एनर्जेटिक अगर इंजन होता इंजन ये भी बहुत अच्छा है यार बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आता है लेकिन ये खुद इतनी भारी भरकम गाड़ी है कि थोड़ा सा जो है आपको वो चीज लग सकती है तो ये था आज का हमारा वीडियो सफारी के ऊपर गोल्ड एडिशन के ऊपर उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो बिल्कुल ले सकते हो थैंक यू सो मच आर्यन गाड़ी लाने के लिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकिन इसी मैसेज के साथ कि गाड़ी चलाएं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाएं सीट बेल्ट वगैरह जो है वो लगा करके चलाएं अगर टू व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन करके चलाएं और इतना ही ज्यादा जरूरी है हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना जय हिंद जय जै भारत